भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उनकी मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस से सवाल पूछे हैं। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेकर सवाल तैयार किया है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा दुबे को जिस बार में पार्टी दी गई थी वो टेबल अरुण और श्रद्धा के द्वारा रिजर्व कराई गई थी। पार्टी का 11 लाख रुपए का बिल हुआ था। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे शराब पी हुई थी, लेकिन आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाना पाया ही नहीं गया और न ही लिक्विड पाया गया। शराब ब्रीथिंग में भी नहीं पाई गई और पेट में भी नहीं पाई गई। 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप का पदार्थ पेट में पाया गया। आकांक्षा दुबे का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चोक पाया गया। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार किसी कोवर्सिव मटेरियल की वजह से ही पूरा कंजेक्शन स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी कलाई पर चोट का भी निशान बताया गया है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा दुबे के पेट में पाया गया 20 ml का वो भूरे रंग का पदार्थ क्या है, कहीं उसी पदार्थ की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन चोक तो नहीं हो गई थी। अधिवक्ता ने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि वाराणसी कमिश्नरेट के अफसर उनके सवाल का जवाब देंगे। उधर इस संबंध में एसपी सारनाथ ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे की मौत फांसी लगाने की वजह से हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस मामले पे क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़ डे एंड नाइट।